हरे कृष्णा, जय श्री राधे राधे। सभी कृष्ण भक्तों का स्टूडियो में सभी का स्वागत है। देवकी नंदन ठाकुर जी, जो हम सभी के परम पूज्य श्री गुरुदेव, पावन कथा आनंद से सभी को रसपान कराते हैं, श्रीमद् भागवत कथा जो हमारे कृष्ण भगवान की लिखी बातें हैं, उसमें हमारे जीवन की मैम्बल जो हमें जीवन जीना सिखाती है, कैसे हमें जीवन को जीना चाहिए, जो भक्त श्रद्धा से भक्ति भाव से कथा श्रवण करते हैं, हर अंदर से वो हर पल आनंद ही आनंद रहते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वैराग्य हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्ञान से हमें परमात्मा से प्रेम होता है और प्रेम से हमें परमात्मा मिलते हैं। तो हर यही वृंदावन में आप जाओगे तो हर जगह अपने ही गिरधर जी को पाओगे, अपने श्याम सुंदर को। बातें करें तो अनुरुद्धाचार्य गुरुदेव की, जो देवकी नंदन ठाकुर जी अनुरुद्धाचार्य जी भी वृंदावन में रहते हैं, हमारे सनातन धर्म को आगे लेके जा रहे हैं, सनातन धर्म का नाम रोशन कर रहे हैं। और श्री अनुरुद्धाचार्य जी तो 30,000 भक्तों की पर डे रोज सेवा करते हैं, जो 200-300 बच्चे गुरुकुल उनकी शिक्षा मुफ्त में, पढ़ाई से ले शिक्षा से लेकर उनकी वस्तु किताबें और पेंसिल बॉक्स हर चीज़ फ्री में देते हैं। माताओं की सेवा श्रद्धा भाव से करते हैं। कम से कम 280 से ज़्यादा ऊपर माताएं हैं जो, और माताओं के लिए भी एक कमरे की तैयारी की है गुरुदेव ने, पूरा हॉल तैयार किया है, उसमें हज़ारों बेड पड़े हैं और गुरुदेव का प्रण है हज़ारों हज़ार माताओं की सेवा करने का। लेकिन इंटरव्यू के द्वारा गुरुदेव यही मैसेज देते हैं हम सभी भक्तों को, वृद्ध आश्रम ना बनाना पड़े, वृद्ध आश्रम ना माता आए, इसलिए अपनी माताओं की सेवा करो, क्योंकि सेवा करोगे तो वृद्ध आश्रम में आना नहीं पड़ेगा, माँ को दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। ये तो इसलिए बना दिया है जो दर दर भटक रही हैं बच्चों के कारण, इसलिए उन बेसहारों के लिए वृद्ध आश्रम बना है। लेकिन परम पूज्य श्री अनुरुद्धाचार्य जी जो इतनी महान सेवा करते हैं, आज के तोड़मर कोई नहीं करता, इनको इस कामयाबी पर पूरा पूरा ऐसा परमात्मा की कृपा है, साफ साफ नज़र आती है। जब ये मुस्कुराते हैं, जब सेवा करते हैं, तो हमेशा चेहरे पे प्रसन्नता रहती है, चेहरे पे एक सुंदर तेज रहता है। और श्री अनुरुद्धाचार्य जी जो अपनी माताओं से बहुत प्रेम करते हैं, हर छोटी बड़ी चीज़ वस्तु का ध्यान रखते हैं, अपने हाथों से स्वयं उनको भोजन प्रसाद खिलाते हैं बिहारी जी का, गौरी गोपाल आश्रम जो गौरी गोपाल भगवान के नाम से निर्भर है, कहते हैं ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, सब आप की कृपा से हर काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, पति बार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी ये सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से
सभी काम हो रहा है। श्री अनिरुद्धाचार्य जी जो महान सेवाएँ करते हैं गौरी गोपाल आश्रम की, 30,000 भक्तों की प्रतिदिन सेवा करते हैं। इनके खातिर वो दूर दूर कथा करने जाते हैं, कथाएँ का चार्ज लेते हैं उन पैसे से। माता वृद्ध माताओं की और बांदरों की, गौ माता की, संतों की, बच्चों की, सबकी सेवा करते हैं। जो सबके लिए करते हैं परमात्मा उसके लिए भी बहुत कुछ करते हैं। आज डायमंड की तरह, हीरे की तरह उनका जीवन और चरित्र छलकता है, पर जलने वाले हर कदम पर हैं। उनको मीडिया वाले बहुत ट्रोल भी करते हैं, जो वीडियो बना वायरल होने के लिए, फेमस होने के लिए किसी हद तक गिर जाते हैं, कुछ भी डाल देते हैं उल्टा सीधा। पर गुरुदेव उसको भी सरल तरीके से, मुस्कुराहट से ही टाल देते हैं, लेकिन अपना कार्य फिर भी कभी नहीं छोड़ते, अपना कार्य करते रहते हैं, क्योंकि वो अच्छा कर रहे हैं जीवन में, सबकी सेवाएँ कर रहे हैं, और सेवा करना कभी बुरी बात नहीं है। और उन बेसहारों माताओं का सहारा बने, वैसे तो बाकी बिहारी जी की दया है ये सब। वृंदावन में वृंदावन का नाम रोशन कर रहे हैं, सनातन धर्म को आगे लेके जा रहे हैं, और नंबर वन कथावाचक हैं। यहाँ तक कि इनकी मुस्कुराहट, इनके भजन सुपर हिट होते हैं और बहुत प्यारे भजन गाते हैं। इनकी पत्नी जी भी बहुत इंटेलिजेंट हैं, जब भी वो भजन गाती हैं इस प्रकार वायरल होते हैं, और बहुत ही सुंदर मीठा सुर में भजन गाती हैं गुरुदेव की तरह। तो प्यारे प्यारे कमेंट जरूर कर दें, हरे कृष्णा लिखना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो में आप